यहाँ पे रिटेल की ट्रेनिंग ली और हमें रिटेल सेल्स एसोसिएट का जॉब मिला बिग बाजार में। सरकार से हम कहना चाहेंगे कि सरकार इसी तरह और योजना चलाए कि युवाओं को लाभ मिले। देश भर में युवाओं की कौशल क्षमता को बढ़ावा देने पर केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वाराणसी में युवा अपनी कौशल क्षमता के लिए प्रशिक्षण केंद्रों पर जाकर प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण केंद्र से उन्हें क्या लाभ मिल रहा है, आइए उन्हीं से जानते हैं। मैंने हेल्थ केयर का 3 महीने तक कोर्स किया है, उसके बाद मुझे जॉब मिला है DDU में। हम सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे जॉब मिला। सर बहुत फायदा है, जो बेरोजगार बैठे घर हैं उनके लिए बहुत फायदा है सर। जैसे कि हम इंटर कंप्लीट करके घर बैठे थे तो हमें पता चला कि PMKVY यहाँ पे कोर्स चलता है रिटेल का, तो हम यहाँ पे आए तो सर यहाँ करने के बाद 3 महीना कोर्स फिर हमारा बिग बाजार में लगा। इस कौशल प्रशिक्षण केंद्र पर महिलाओं के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं, वे भी यहाँ हुनर लेकर अपने भविष्य को संवार रही हैं। और सर यहाँ पे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है कि जैसे यहाँ पे आप हर चीज सीख सकते हो, जैसे आप सिलाई सीखना चाह रहे हो तो यहाँ पे सिलाई की क्लासेस चल रहे हैं, रिटेल के चल रहे हैं, टेलीकॉम के चल रहे हैं, जो कि एक प्लेटफॉर्म हम लोग को दिया जा रहा है कि जहाँ अगर लड़कियाँ चाहें तो अच्छा कुछ सीख के अपने एक प्लेटफॉर्म अच्छा बना सकते हैं अपने लिए। सर इससे हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मतलब मिल रहा है ताकि हम हर जगह कहीं भी सक्सेस हो सकते हैं। और यहाँ पे खुद भी प्लेसमेंट दे रहे हैं, जो कि जिसको कहीं जॉब की प्रॉब्लम हो रही है तो वो वहाँ पे हर जगह सक्सेस हो रहे हैं। ये आपको खुद यहाँ पे प्लेसमेंट आपको दिया जा रहा है कि आप इसको सीख के आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे करो, अपना अच्छा करियर स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे लाभ हुए, जैसे कि ये लोग अपना खुद का काम, जो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं वो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेती हैं खुद घर में, और जो हैं वो बाहर आने जाने वाली हैं वो अच्छे अच्छे कंपनीज वगैरह में जाके अपना काम कर सकती हैं। केंद्र संचालक मानते हैं कि सरकार की इस योजना से बेरोजगारों की बड़ी मदद हो रही है। ये ऑरिटेड के जरिए ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हम लोग क्लास 2 साल से चला रहे, इसके जरिए एक चीज तो तय है कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं या जिनका जिस वजह से पढ़ाई छूट गया हो, चाहे घर का फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं हो या फिर उनको गाइड करने वाले ना हो, जिसके वजह से ये पढ़ाई छूट गया, तो हम उन तक पहुंच के उन लोगों को एक रास्ता दिला रहे हैं जिसके जरिए एक रोजगार का रास्ता उन लोगों को दिख रहा है और वो लोग आके हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। इसी के जरिए हम लोग बहुत सारे बच्चों को जो बेरोजगार थे, जो घूमते रहते थे, उनको हम लोग रोजगार दिलाए और इनमें वो बच्चे भी खुश है और हम लोगों को भी खुशी होता है कि ये बेरोजगार बच्चों को एक रास्ता और दिशा दिखा के। कौशल विकास केंद्र खुलने से सिर्फ महिलाओं को ही लाभ नहीं हुआ है, मैं बोलना चाहूंगी कि इससे जो बेरोजगार लोग हैं, जो 12th पास करके या जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, या फिर जो लोग जिनका मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में, वो बेरोजगार घूम रहे थे लेकिन उनको रोजगार की जरूरत है, तो उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद उनको हम लोग रोजगार से जुड़ने के अवसर प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां युवा न सिर्फ अपनी कौशल क्षमता को बढ़ाते हैं अपितु साथ ही रोजगार करके अपने घर का खर्च भी वहन कर रहे हैं।